हेलो यूट्यूब, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं एक और वीडियो लेके वापस आ गई हूँ। आज मैं ज्वेलरी बॉक्स बना रही हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे घर में बहुत रैंडम चीज़ें पड़ी थी, मैंने सबको इकट्ठा किया और मैंने सोचा कुछ बनाया जाए। सबसे पहले तो ये जेसो का डब्बा था, इसे मैंने अच्छे से धो लिया और साफ़ कर लिया। उसके बाद ये कैन का कैप था और कुछ आइसक्रीम स्टिक्स और बाकी कुछ नलकियाँ पड़ी थी मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने आइसक्रीम स्टिक्स को हाफ़ कट कर लिया, क्योंकि मैंने जिस बॉटल पे इनको लगाना है ना उसकी लेंथ इतनी ही है। दूसरी तरफ जो नलकियाँ थी मेरे पास वो थोड़ी कम थी, तो मैंने ना पेपर को रोल करके ना तो कुछ बना ली वैसी सेम शेप की, और मैंने इन सबको कैप के इर्द गिर्द पेस्ट कर दिया हॉट ग्लू गन के साथ। जो मेरे पास बॉक्स है उसमें मैंने आइसक्रीम की स्टिक्स पेस्ट कर दी हॉट ग्लू गन के साथ। दोनों बॉक्स पे मैं पेंट करने की बारी आई। पेंट करने से पहले मैंने जैसे वो कोट किया दोनों पर। क्योंकि मैंने इनको वुड लुक देनी थी इसलिए मैंने इन पे दोनों पे ब्राउन कलर किया, लेकिन ब्राउन के मैंने डिफरेंट शेड्स यूज़ किए। बेस पेंट करने के बाद मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग दी इस पर। डिटेलिंग ब्रश से मैंने लाइट ब्राउन कलर में ना काफ़ी लाइंस वगैरह बनाई और वुड के लुक देने की कोशिश की, और अपने हैंड्स की भी फिंगर्स का भी काफ़ी इस्तेमाल किया कलर को ब्लेंड करने के लिए ताकि वुड की लुक आ जाए। पेंट होने के बाद मुझे थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, तो मेरे पास कुछ शेल्स पड़े थे बिल्कुल छोटे साइज़ में, तो मैंने ना उन सबको इसके बॉर्डर पे लगा दिया, तो उससे काफ़ी एक अच्छी लुक आ गई। कुछ ऐसी लग रही थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में और वीडियोस लाऊं, अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।